कृष्णा, अरे प्रभु जी, मुझे तो आवाज आ रही, क्लियर आ रही है। तो ज्यादा नहीं, शॉर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो स्थान है, यहाँ पर हमारा बहुत सौभाग्य है कि तमाल कृष्ण महाराज के जो उनका जो बनाया हुआ स्थान है, वहां पर बैठ करके हम ये चर्चा कर रहे हैं। कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के बहुत ही शुद्ध और बहुत ही फायर्ड अप प्रचारक रहे। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, मतलब चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं। तो आज थोड़ा सा हम इसको चर्चा करेंगे कि ये ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। भगवद गीता बताती है कि किसी प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान उच्चतर लोकों यानी देवलोकों को जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य तथा अन्य किसी भी उच्चतर लोकों को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता में हम इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देते, क्योंकि चाहे हम किसी भी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान रहेगी। लेकिन जो लोग कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंच जाते हैं, वहां से फिर वो वापस नहीं आते। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है। इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इस ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे इस ब्रह्मांड ही नहीं, पूरी सृष्टि का स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले भगवान भगवान बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं। बलराम जी जो है वो कारणोदक्षायी विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। जो कारणोदक्षायी विष्णु है वो भौतिक संसार के जो पहला अवयव है महत्तत्व, उसके ऊपर प्रकाश डाल दृष्टिपात करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से ये प्रधान में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो प्रधान होता है इसी से अलग अलग ब्रह्मांडों का सृजन होता है, जो कि भगवान की, ये सब भगवान के अंदर होता है। और उसके बाद जब निकलते हैं तो भगवान के रोमकूप से, जो विष्णु है कारणोदक्षायी विष्णु, उनके रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षायी विष्णु होते हैं, जिनके नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है ब्रह्मलोक में, और जो सबसे बाकी जो लोक हैं वो सब 14 लोक इसी कमल के इर्द गिर्द विराजमान। तो ये लोक लोक जो कहते हैं, स्वर्ग लोक नरक लोक, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ग्रहों का एक समूह है, बहुत सारे ग्रहों का एक समूह। जैसे स्वर्ग स्वर्गिक स्वर्गिक लोक मतलब ये है कि वहां पे चंद्र लोक सूर्य लोक और इंद्र की अमरावती सारा मिला करके एक लोक है, जिसको बोलते हैं स्वर्ग लोक। वो एक प्लेनेटरी सिस्टम, मतलब देर आर मेनी प्लैनेट्स इन द सिस्टम विच इज कॉल्ड स्वर्ग लोका। सिमिलरली जैसे भूलोक हम ये कहते हैं, तो भूलोक का मतलब ये नहीं है कि केवल धरती, ये जो अर्थ है ये अर्थली प्लेनेटरी सिस्टम का एक ग्रह है।
ऐसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे ही, तो ये है भूलोक। और इससे ऊपर जो लोक मैंने बताया, भू भुवः स्वः, भुवा लोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक। तो इससे ऊपर जो लोक है उसमें कौन रहते हैं, जो हमसे ऊपर हल्के से ऊपर की, जैसे किम पुरुष वर्ष के जो लोग है, थोड़ा सा 64 डायमेंशंस में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि हमारे ऊपर जाएंगे तो वो लोक आ जाएगा, नहीं, ये कुछ लोक हमारे जो डायमेंशन है 4 डायमेंशन उसमें एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं जिनको कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, और उनका शरीर भी उसी प्रकार का बना रहता है। जैसे फीलिंग्स होती हैं, हम होती हैं पर हम ना देख पाते हैं ना उसको छू पाते हैं, पर होती है। इसका मतलब वो किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। तो इसी चीज को यहाँ पर, तो ये जो सृष्टि की संरचना है इसमें जो 14 लोक हैं, 7 नीचे के लोक, 7 ऊपर के लोक। भू भुवः स्वः जन तप सत्य लोक, ये जो लोक हैं अलग अलग प्रकार के लोक हैं। इसमें ऊपर जब बढ़ते जाएंगे तो सुविधाएं और सिद्धियां और बढ़ती जाएंगी, नीचे के लोकों में भी सिद्धियां और सुविधाएं बढ़ती ही जाती हैं। लेकिन नीचे के जो लोक रहते हैं उसमें सबसे नीचे जो है पाताल लोक, पाताल लोक, और एकदम सुतल अतल वितल रसात तल और पाताल है ना, ये लोक है। लेकिन इन सबसे नीचे नरक लोक है। नरक लोक में 84,000 प्रकार के नरक बताए गए हैं गरुड़ पुराण में, जिसमें से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। तो 84,000 प्रकार के जो नरक हैं, ये कौन है, ये जो इच्छाएं जीव करता है, अलग अलग प्रकार से पाप करता है, उस हर एक पाप के लिए एक स्पेशल नरक लोक है। नरक लोक उस हर एक पाप के लिए एक ब्रह्मांड है पूरा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मांस खाता है, तो मांस खाने वाले सारे लोगों को सबसे पहले जो यमराज जी का जो स्थान है सलमलीपुर, वहां पर इनको ले जाता है, और उसके बाद वहां पर या पितृलोक में अर्यमा इत्यादि यमराज जो वहां पर बैठते हैं, वहां पर क्लास होती है। पहले उनको बताया जाता है कि देखो तुमने ये पाप किया, ये पुण्य किया, ये पाप किया, इसलिए तुमको ये चीज होना है। तो फिर उनको यमदूत पकड़ के लेके जाते हैं और उस ग्रह पे लेके जाते हैं जहां पर सारे मांस खाने वाले इकट्ठा हो रहे हैं। अब मांस अलग अलग प्रकार से कुछ लोग खाते हैं तो उसका अलग, जैसे कुछ लोग एकदम खाल उधेड़ के बहुत दर्दनाक तरीके से खा रहे, कुछ लोग बलि दे करके भी खाते हैं, उनको भी पाप लगता है। तो जो अलग अलग प्रकार से, तो उस पूरे जो ग्रह में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, बलि वाला खाने वाले और ये मांस खाने वाले, ये इस तरह से मांस खाने वाले, कच्चा खाने वाले, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। और अलग अलग प्रकार का टॉर्चर दिया जाता है सबको। जैसे जो लोग उबाल के उसको मार के खा लेते हैं, तो उसके लिए उनको भी उसी तरह से उबाला जाता है। बस ये अंतर है कि वो यातना शरीर जो दिया जाता है, वो जैसे मान लो यहाँ से कोई मरा, हमारे विजय प्रभु है, उनका कोई जो है पड़ोस में या कहीं जो है किसी की देहांत हुआ, तो होगा क्या कि मृत्यु जैसे ही होती है तुरंत उनको ले जाया जाता है ये पितृलोक। और पितृलोक में वहां जाके उनको पूरा क्लास होती है कि भाई देखो तुम ऐसे ऐसे किए, तुम इसलिए तुम्हारा ये सजा है। अब वो सजा जब सुना दी जाती है, उसके बाद उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, 10 दिन के लिए इसी धरती पे आता है वो, और उसको 10 दिन के लिए उसको बताया जाता है कि भाई देखो, वो देखता है अपने घर वालों को कि ये रो रहे हैं ये लोग, मैं तो यहीं पे हूँ लेकिन ये लोग रो क्यों रहे हैं। अच्छा मैं मर चुका हूँ क्या, मेरा शरीर अब नहीं है मेरे पास। ओ अच्छा। फिर वो जो जीव होता है वो मंडराता देखता है, अरे मेरा शरीर तो जला दिया इन लोगों ने। तो उसको अनासक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर जब 10वें दिन तक उसकी जो है ये आसक्ति उसके परिवार से, लोगों से पूरा, अगर सारे शुद्धिकरण कर्म किए जाते हैं तो उनको जो है सारी शुद्धि उसकी हो जाती है। फिर वो उसके 10वें दिन के बाद फिर उनका जो है, या 10 उनको फिर से जहां पर उनका टॉर्चर होना होता है वहां पर ले जाया जाता है।
और फिर उसके बाद उनका ट्रेनिंग सेशन वहां पर शुरू होता है। वो जिस जैसे कुंभी पाक नरक में, अगर ये एक कुंभी पाक नरक क्या है, नरक लोक जो है पूरा, उसका एक एक जगह है। जैसे जैसे यहाँ पृथ्वी लोक है ना, तो पृथ्वी जो भूलोक है उसमें पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे एक ग्रह है पूरा जिसमें मांस खाने वालों को पूरा टॉर्चर देने का ग्रह है। तो वहां पे जो व्यक्ति, जो लोग, कुछ लोग कहते केवल हम वेडनेसडे को खाते या केवल अंडे खाते, तो उनका अलग डिपार्टमेंट है ना जी, लेकिन वो भी कुंभी पाक नरक में ही जाएंगे। लेकिन क्या कुंभी पाक नरक में ही जाएंगे, लेकिन क्या होगा उनका, वो नरक लोक उन्हीं का है अब। लेकिन जो लोग केवल अंडे खाते हैं, वो भी वेडनेसडे को या फिर फ्राइडे को, तो उन लोगों को भी टॉर्चर मिलेगा, लेकिन अल्टरनेट डेज पे मिलेगा, है ना। और ये अंडा खाना एक तरह से भ्रूण हत्या माना जाता है, मतलब एबॉर्शन के जैसे होता है अंडा। इजोलेंस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि मांस खाना एक तरह से, जो ये अंडे खाते हैं ये एक तरह से अबॉर्शन जो होता है उसी का जो है फल उसको मिलता है, अबॉर्शन करने का। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रह्मांड में स्ट्रक्चर कैसा है। तो गर्भोदक समुद्र, गर्भोदक जल में कौन रहते हैं, गर्भोदक साई विष्णु, उनके नाभि कमल से सारे जो पे जो कमल है उसमें सारे लोक हैं। अब ये लोकों में अलग अलग ग्रह हैं, अब इन ग्रहों में अलग अलग प्रकार का सुख सुविधा रहती है। जैसे इससे ऊपर ऊपर जैसे तप लोक, तप लोक में क्या होता है, सारे जीवात्मा इतने प्रभावशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि अपना ब्रह्मांड खुद ही बना सकते हैं, इतने ताकतवर लोग। नहीं मतलब यहाँ पे तो अगर मान लो किसी को कोई स्त्री पुरुष तंग करना है, तो उसको किसी को अप्रोच करना पड़ेगा, जा करके फूल दो, बर्थडे याद करो, फिर किसी तरह से कुछ भी ये सब पूरा याद, फिर फूल दो, फिर क्या मुझे पता नहीं क्या क्या करते हैं, पूरा जो भी करते हो, उसके बाद फिर जा करके कोई स्त्री पुरुष संग करना पड़े। लेकिन वहां पर क्या करते हैं सिद्ध लोग, जो ये तप लोग हैं, अपना ब्रह्मांड बनाओ, अपना ही गार्डन बनाओ, अपना ही स्त्री पुरुष जो भी आपको इच्छा है वो बनाइए, भोग कीजिए और उसको खत्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जैसा ब्रह्मा जी को शक्ति होती है, उस तरह प्रकार की शक्ति लेके बचपन से ही पैदा होते हैं लोग। जैसे हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही ये उनके अंदर ये क्या सिद्धि होती है, वो दो पैर पे खड़े हो जाते। देखो बहुत सारे जानवर है जो दो पैर पे नहीं खड़े हो सकते, देखो जी गाय है, बाकी जानवर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ छोटे से बचपन से ही बच्चा दो पैर पे खड़े होने की सिद्धि उसके पास, इतने छोटे से प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा 105 किलो का शरीर खड़ा हो जाता और बैलेंस भी हो जाता है ना। नहीं तो ये सिद्धि है उनकी, उसी तरह से उस लोक में उनको ये सिद्धि होती। तो देख जैसे नीचे के लोक है वहां क्या होता है, वहां सुख सुविधाएं जैसे ऊपर के लोक में होता है, वैसे ही सुख सुविधाएं नीचे के लोक में और ज्यादा होती है। मतलब नीचे के लोक में भोग करने का और ज्यादा निकृष्ट से निकृष्ट तरीके से भी भोग किया जा सकता है। जैसे नीचे जो डायन वगैरह ये लोग रहते हैं, हमारे बिहार में कोई बता रहा था, एक कुआं था जहां से नीचे के लोग के जो डायन वगैरह थे वो कुछ कभी कभी ऊपर आते थे। तो वो जब ऊपर आते थे तो उनको जो ये पुरुष होते थे, यहाँ पर जो पुरुष होते थे वो उनको बहुत पसंद होते। तो कहने का मतलब वहां नीचे के लोक में ये सुख सुविधाएं और ज्यादा दी जाती। तो हमने थोड़ा सा लोकों का स्ट्रक्चर और नरक का स्ट्रक्चर थोड़ा हमने जाना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे, अभी हम थोड़ा आधे घंटे वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा, आपको समझ में आया ये स्ट्रक्चर क्या है, नरक का स्ट्रक्चर और ये सारे स्ट्रक्चर। थोड़ा पहले कौन, कृष्ण है, फिर बलराम जी। बलराम जी जो है वो विस्तार कर रहे हैं सारे धाम और सब चीजों के रूप में, और वो सारे सेव्य चीजें जो हैं वो सब बलराम जी विस्तार कर रहे हैं, और फिर सेवा के लिए जो इस्तेमाल की जाती, और फिर उन्हीं से विस्तार होता है कारुणदक्षायी विष्णु का, और उन पहला चतुर्व्यूह निकलता है, पहला चतुर्व्यूह वहां से, पहले चतुर्व्यूह से फिर
के संकर्षण से, पहला जो संकर्षण है वो संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव, उनसे एक संकर्षण से फिर एक और चतुर्व्यूह निकलता है, उसमें भी संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं, और उनके संकर्षण से फिर कारणो दक्षाई विष्णु निकलते हैं। जो वासुदेव इसमें जो होते हैं वो विस्तार करते हैं नारायण फॉर्म्स में, सेकंड दूसरे चतुर्व्यूह में, और वो सारे जो आध्यात्मिक लोक हैं, ब्रह्मांड है, वो उसमें जैसे श्रीधर वामन इत्यादि के रूप में वो विस्तार करते हैं, और जो भौतिक संसार है वो कारणो दक्षाय विष्णु के नाभि कमरे के जो रोम कूप है वहां से निकलता है। तो ये ब्रह्मांड जब निकलता है, तो मैंने आपको महत्तत्व और प्रधान के बारे में बताया, फिर ये जो ब्रह्मांड है इसमें ब्रह्मा जी फिर दूसरे लेवल पे क्रिएशन करना शुरू करते हैं कि भाई ये काम करना, ये बनाना है। तो ये सेकेंडरी क्रिएटर है, शरीरों को बनाते हैं, आत्मा नहीं डालते, शरीरों को बनाते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी। तो फिर इसी ब्रह्मांड में क्या है, गर्भोदक समुद्र है। गर्भोदक समुद्र कौन सा समुद्र है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के पसीने से वो समुद्र बना है, उस पसीने के समुद्र में गर्भोदक्षाय विष्णु तैर रहे हैं, और ये ब्रह्मांड पूरा गर्भोदक जल से भर जाता है, उसी में वो आधा तैरते रहते हैं, और इन्हीं का विस्तार शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में होता है, जो सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, और इन्हीं के नाभि कमल के ऊपर 14 लोक विद्यमान है। अब ये लोक कौन कौन से हैं, भू भुव स्व जन सत्यम, तपलोक महरलोक, ये सब जो है क्या है, ये सब आध्यात्मिक लोक। अब ये जो ऊपर के लोक और नीचे के लोक, सुतल अतल वितल महातल रसातल पाताल, ये जो लोक है नीचे के लोक है, ये भोग की सुविधाएं तो यहाँ पर है, पर भजन की नहीं, भगवान विद्यमान नहीं, भोग की सुविधाएं ऊपर के लोकों में भी है, नीचे के लोकों में भी। तो फिर ये जो मैं बता रहा था भूलोक जो है, इसमें बहुत सारी पृथ्वियां हैं, ऐसा नहीं है केवल एक ही पृथ्वी है, भूलोक जो है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, है ना, नहीं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये हमारा लोकों के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन था, ये हमारा था। आपको किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। आज हमने ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा किया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्रह्मांड। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं अगर आपको प्रश्न है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई हाँ बताते हैं नरक बोले तो है, यहाँ संसार में ही नरक है बोलते, जो भी अपन जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है वही नरक के समान है। जैसा पैदा होते ही कोई बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं, कोई इसको कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो बताते हैं वही उनका नरक समान है। अरे वो तो छोटा मोटा, इतना छोटा थोड़ी होगा नरक, पाप इतना स्टाइल से किया, आप सोचिए लोग क्या पाप करते हैं, धरती पे दे नहीं सकते हम उसको, तो वो टॉर्चर, आप सोचिए कितने लोग हैं, सीरियल किलर है, सीरियल किलर है बताओ, और फिर हाँ जिस योनि की वो हत्या कर रहे, जैसे गाय की योनि की कोई हत्या कर रहा है, जितना उसके शरीर में बाल है, गाय की जो हत्या कर रहा है, जितने बाल उसके शरीर में, उतने जन्मों तक उसको नरक में रहना पड़ेगा, सोच रहे। तो वो जो उतने हाई लेवल का टॉर्चर यहाँ पे दिया नहीं जा सकता, उसके लिए एक प्रॉपर यातना शरीर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर मान लो 1,000 योजन से गिराया जाता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है अपने भाई को या जो अपने जो निकटस्थ व्यक्ति को धोखा देता है ना, तो 1,000 योजन से, मतलब उसको अपने दोस्त ही लेके जाते हैं, दोस्त के जैसे लेके जाएंगे उसको, 1,000 योजन के पहाड़ से नीचे गिराया जाएगा, उसका शरीर छितरा जाएगा, एकदम फट जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, तो ऐसा शरीर कहाँ मिलेगा, नरक लोक में वो शरीर मिलता है, यातना का शरीर अलग, प्रॉपर शरीर मिलता है, जहां पे वो गिरेगा तो सही, दर्द बहुत होगा, मरेगा नहीं। ये चीज करने के लिए अलग शरीर है, यातना शरीर उसको बोलते हैं, है ना लक्ष्मी माता जी। नहीं तो फिर यहाँ पर जो कर्म भोगते हैं वो लोग, जो पैदा होते हैं ऐसा पैदा होते हैं,
और उनको कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है शुरू होते ही पैदा, तो उनको हाँ, क्या छू। यहाँ पर कर्म फल मिलता है, वहां पर उसका ब्याज मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। नरक लोक में कर्म फल नहीं मिलता, नरक लोक में केवल उसका ब्याज और वो मिलता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। जैसे किसी ने हाँ इस गाय का मांस खाया, तो वहां नरक लोक में क्या होता है, उसको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ वो नहीं है, उसको भी वो सुअर खाएगा, वो भी होगा, वो तो होगा, लेकिन एक बार सुअर खा करके मान लो खत्म, तो खत्म थोड़ी हो जाएगा। इतनी जो टेंडेंसी आपको सुअर खाने के लिए, कितना घृणित चेतना होनी चाहिए, है ना? नहीं, वो सुधार कैसे होगा, खोपड़ी कैसे सुधरेगी, थोड़ा खोपड़ी भी उसके लिए वहां पर वो ट्रेनिंग होता है वहां पे, और टॉर्चर करो। जैसे किसी स्त्री पुरुष से संग होता है किसी का, पराई स्त्री है, जानता है, फिर भी उनसे संग कर लिया, तो अब ये जो किया ये तो ठीक है, अब इसका तो फल तो मिलेगा ही, इसका फल भी मिलेगा, लेकिन अब उनका भी धन लॉस होता है, ये सब तो होगा ही, लेकिन उसकी जो ये प्रवृत्ति आई उसके अंदर, कितनी मेहनत से आई होगी कि चलो अच्छा है। सब लोग, कोई किसी पत्नी से किसी से अवैध संबंध नहीं कर रहा, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं मैं कर लेता हूं, इसका मतलब उसकी चेतना को कोई थप्पड़ मारने वाला तो होना चाहिए ना। इंटरेस्ट हाँ और जो नरक लोक है, वो इंटरेस्ट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। नरक लोक नॉट फॉर रिएक्शंस, लेकिन उस प्रकार रिएक्शन वहां पे का ट्रेनिंग, वहां पे इंटरेस्ट वहां पे मिलता, ब्याज वो इतने दिन तक नहीं भी तो मिला। अब मान लो इतने दिन से किसी ने कुछ नेता ने किसी का मर्डर कर दिया, तो इतने दिन तक उसका मर्डर नहीं भी तो हुआ, जब मरे तब तो मर्डर हुआ ना, तो भैया इसका ब्याज देगा। समझ भारत प्रभु जी ये सब कहानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं प्रभु जी? विजय प्रभु? प्रभु जी हाँ, प्रभु जी अभिजय अच्छा प्रभु जी, विजय प्रभु, मेरा आप कहाँ एक से? प्रश्न। मैं प्रभु जी रतलाम से हूँ प्रभु जी, यहाँ ये लिंक आपको कैसे मिला? ये मंत्रेश्वर प्रभु जी से मिला प्रभु जी मुझे। आप बोलिए प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम जो भी पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों का फल निश्चित है, निर्धारित है कि वो हमें भोगना ही पड़ेगा। नहीं, अगर कोई वैष्णव आपके जीवन में है, वैष्णव को एक कृपा कर दे तो कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ अगर प्रभु जी, चाहे यही कितना मेरा भी एक आपने प्रश्न। पाप, कुछ भी पाप कर लिया हो, अगर आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया और गुरु जी और कोई भक्त लोग अगर सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई नरक नहीं ले जा सकता। कोई टॉर्चर नहीं मिलेगा, ना नरक में जाना पड़ेगा ना यहीं कोई कष्ट मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही मेरे मन में संशय था। इसीलिए तो कहते हैं ना, भक्त सेवा परम प्रेम लति कारूला, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूला। कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त की जो चरण रज है वो भजन के अनुकूल है, उनके जो आदेश है, चरण रज का मतलब उनके आदेश, उनके आदेश का हमेशा पालन करते रहो। प्रभुपाद जी ने कहा चार नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, भक्त जो लोग सेवा में लगा रहे हैं उनको सेवा में जुड़ना है, तो एकदम करते रहो, क्योंकि ये भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा क्या है, वो परम सिद्धि, भगवान की सेवा नहीं है परम सिद्धि। आपको पता है कृष्ण भगवान की सेवा परम सिद्धि नहीं है, सबसे बड़ी सिद्धि नहीं है। कृष्ण भगवान की अगर हम सेवा करते हैं तो बड़ी बात नहीं है। किसकी सेवा सबसे बड़ी बात है? जिसने किसी शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न किया है, वो बहुत बड़ी सिद्धि उसके पास, सबसे सिद्ध महात्मा है वो। सिद्ध महात्मा आप जानते हैं ना, सोचते हैं ना कि हम पानी पे चलने वाला व्यक्ति वो सिद्ध महात्मा है, या फिर हवा में उड़ सकता है जो, या फिर जो हमारे पीछे वो बता दे कि आपने ये किया और वो किया इसलिए आपको आगे चल के ये मिलेगा, कृपा हो जाएगी,
ये परम सिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? जो किसी वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का दास बनने स्वीकार कर सकता है और किसी शुद्ध वैष्णव की प्रसन्नता के लिए उनका कुत्ता बनने के तैयार है, वो सबसे बड़ा सिद्धि है। टू बिकम द डॉग ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द बिगेस्ट सिद्धि इन दिस वर्ल्ड। और जो व्यक्ति किसी शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न कर पा रहा है, वो व्यक्ति इस संसार का सबसे सिद्ध महात्मा है। एक बार गौतम ऋषि के एक शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, ब्रह्मचारी थे, 90 साल सेवा करके उनके बाल बाल जब सफेद हो गए, एक दिन पानी में देखा, पानी भरते हुए गुरु जी के लिए पानी भर रहे थे, पानी में देखा कि बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि अरे गुरु जी, मैं तो ब्रह्मचारी था, मुझे आपने करने के लिए बोला नहीं, आपको बोलना चाहिए था, मैं मेरे सारे साथ वाले लोगों की तो शादी हो गई, आपने मुझे शादी के लिए बोला नहीं, क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने, गौतम ऋषि कह रहे हैं, गौतम ऋषि क्या कह रहे हैं, बेटा तुमने मेरी इतनी सेवा करके मुझे इतना प्रसन्न किया है, उस वजह से तुम्हारे अंदर इतने इतना शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, कि तुमको, तुम्हारे वीर्य को धारण करने की स्त्री ही इस संसार में नहीं। इतना शक्तिशाली हो आप कि आपको धारण करने के लिए स्त्री ही इस संसार में नहीं है, इसलिए किसी से आप विवाह नहीं कर सकते हैं, इतने आप बिल्कुल शक्तिशाली हो गए। भक्त की सेवा बहुत बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है भक्त सेवा, परम सिद्धि। देखो कृष्ण सेवा परम नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण जिसको प्रसन्न हो उनको गुरु देते हैं, भक्तों का संग देते हैं। अगर कृष्ण किसी को बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो उसमें संदेह है, लेकिन कोई वैष्णव की अगर किसी ने सेवा किया है, दुनिया एक तरफ से एक तरफ हो जाएगी, वो भक्त भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, चाहे वो शराब पीने लगे, जो भी करने लगे, लेकिन एक ना एक दिन कृष्ण उसको भगवत धाम लेके ही जाएंगे। तो भक्तों की सेवा तो बहुत शक्तिशाली है, नरक वरक तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक भक्त को छोटा सा आप एक बार मुस्कुरा दिया, उन्हें आपने तुलसी का पत्ता उनको दिया, वो खुश हो गए, बस तुलसी का पत्ता दिया, वो खुश होने मात्र से न जाने करोड़ों अरबों खरबों पाप तो कितने खत्म हो गए। परम सिद्धि है ना भक्त तो सेवा, परम सिद्धि है ना विजय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी, अच्छा प्रश्न पूछा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? वैष्णव भजनों वाला समय चला जाता है, ठीक है, फिर भी हम एक थोड़ा सा वैष्णव भजन थोड़ा चर्चा करेंगे, इसको मैं अभी यहीं पर क्लोज करता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं था?